नमस्कार दोस्तों विद्याविद्या इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है मेरा नाम है हिमांशु और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर वन तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं अब देखिए क्वेश्चन नंबर वन ये कह रहा है इन विच ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ सिचुएशन दी गई हैं और हमसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी सिचुएशन हैं जिनमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है और क्यों बन रही है वो हमें पता लगाना है तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं अब देखिए इसमें पहला पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वेन द फेयर इज रुपीज फिफ्टीन फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रुपीज एट फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर यानी एक जो टैक्सी का जो फेयर लिया जाता है वो पंद्रह रुपए लिया जाता है पहले एक किलोमीटर के लिए और उसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए आठ रुपए लिए जाते हैं तो इस सिचुएशन में क्या अर्थमेटिक सीरीज बनेगी चलिए चेक कर लेते हैं अब देखिए यहां पर पहले एक किलोमीटर का फेयर क्या हो गया दैट इज फर्स्ट टर्म एंड दैट इज रुपीज फिफ्टीन तो दो किलोमीटर का फेयर क्या हो गया दैट इज ए टू एंड दैट विल बी फिफ्टीन प्लस एट एंड दैट इज रुपीज ट्वेंटी थ्री तो तीन किलोमीटर का फेयर क्या हुआ तीन किलोमीटर का फेयर हुआ ट्वेंटी थ्री प्लस एट एंड दैट इज रुपीज थर्टी वन तो चार किलोमीटर का फेयर क्या हुआ चार किलोमीटर का फेयर हो जाएगा थर्टी नाइन अ देखिये यहां पर हमको एक सीरीज मिल गई दैट इज फिफ्टीन ट्वेंटी थ्री थर्टी वन एंड थर्टी नाइन अब देखिए यहां पर हमको ये एक सीरीज मिल गई लेकिन क्या ये सीरीज एक अर्थमेटिक सीरीज है ये हमें चेक करना होगा तो चलिए जल्दी से चेक कर लेते हैं अब अर्थमेटिक सीरीज को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं दो कंजेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो निकालते हैं और देखते हैं कि कंजेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कॉन्स्टेंट है या नहीं है अब देखिए यहां पर हम निकालेंगे ए टू माइनस ए वन ए टू माइनस ए वन की वैल्यू क्या होगी ए टू इज ट्वेंटी थ्री एंड ए वन इज फिफ्टीन एंड दैट विल बी एट उसी तरीके से ए थ्री माइनस ए टू की वैल्यू निकालेंगे वो आएगी थर्टी वन माइनस ट्वेंटी थ्री इज इक्वल टू एट उसी तरीके से ए फोर माइनस ए थ्री दैट इज थर्टी नाइन माइनस थर्टी वन एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एट तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पे कंजेकेटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है तो ये जो सीरीज होगी वो एक अर्थमेटिक सीरीज होगी द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर द सेम हे इट फॉर्म्स एंड एपी एंड दैट इज अवर आंसर तो देखा दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन है कितना आसान क्वेश्चन है चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट भी हम सॉल्व कर लेते हैं अब देखिए सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन ए सिलेंडर वेन ए वैक्यूम पंप रिमूव वन फोर्थ ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम यानी एक सिलेंडर है जिसमें वैक्यूम पंप लगाया जाए तो वो वैक्यूम पंप उस सिलेंडर की एक बार में वन फोर्थ एयर को निकाल लेता है तो जो एयर बच रही है हर बार उसकी जो सीरीज बनेगी वो क्या आर्थमेटिक सीरीज होगी तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं अब दोस्तों मान लेते हैं लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इनिशियली इन द सिलेंडर इज इक्वल टू एक्स यानी शुरुआत में सिलेंडर में जितनी एयर है उसको हम एक्स मान लेते हैं ना अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवर अब वैक्यूम पंप जो है वो एक बार में वन फोर्थ यानी जितनी हवा है उसका वन फोर्थ जो है वो निकाल लेता है तो पहली बार अगर वैक्यूम पंप लगेगा तो उसमें से कितनी हवा निकल जाएगी दैट विल बी x माइनस वन अपॉइंट फोर एक्स यानी शुरू में एयर थी x अब उसकी वन फोर्थ निकल गई दैट इज x माइनस वन अपॉइंट फोर एक्स एंड दैट इज इक्वल टू थ्री अपॉइंट फोर एक्स अब दोबारा अगर वैक्यूम पंप लगाया जाए तो कितनी हवा बचेगी दैट विल बी थ्री बाई फोर एक्स माइनस वन अपॉइंट फोर ऑफ थ्री बाई फोर एक्स और इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी नाइन अपॉन सिक्सटीन एक्स अब यहां पर देखिए थ्री बाई फोर एक्स हवा बची थी अब उसकी भी 1 by निकल गई दैट इज इक्वल टू नाइन बाई वैक्यूम पंप लगाया जाए तो कितनी हवा बचेगी दैट विल बी नाइन बाई सिक्सटीन एक्स माइनस वन बाई फोर ऑफ 9 by 16 X and that will be equal to 27 upon 64 X. अब हमको यहाँ पर जो सीरीज मिली वो है ये यह यहाँ पर एक सीरीज मिली अब हमें ये चेक करना है कि ये एक अर्थमेटिक सीरीज है या नहीं है तो इसके लिए हम सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल लेते हैं तो यहां पर ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू थ्री बाई फोर एक्स माइनस एक्स एंड दैट इज इक्वल टू माइनस वन बाई फोर एक्स अगेन ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू नाइन सिक्सटीन एक्स माइनस थ्री बाई फोर एक्स और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस थ्री अपॉन सिक्सटीन एक्स अब यहां पर देख सकते हैं कि ए टू माइनस ए वन है माइनस वन बाय फोर एक्स और ए थ्री माइनस ए टू है माइनस थ्री बाय सिक्सटीन एक्स तो यहां पर सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है तो ये एक सीरीज फॉर्म नहीं करेगी तो जैसा मैंने बताया था डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर नॉट सेम हेंस इट डज नॉट फॉर्म्स एन ए पी एन दैट इज अवर आंसर तो देखा दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन है चलिए अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं और थर्ड पार्ट है कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वेन इट कॉस्ट रुपीज वन फिफ्टी फॉर द फर्स्ट मीटर एंड रेजेज बाय रुपीज फिफ्टी फॉर इच सब्सिक्वेंट मीटर यानी एक कुएं को खोदने में पहले एक मीटर की कॉस्ट है रुपीज वन फिफ्टी और उसके बाद हर एक मीटर को खोदने की कॉस्ट है रुपीज फिफ्टी तो ये तो बहुत ही ईजी है ये तो टैक्सी फेयर जैसा ही क्वेश्चन है अब यहां पर देखिए

250 एंड 300. अब हमें ये चेक करना है कि ये जो सीरीज़ है वो आरथमेटिक सीरीज़ है या नहीं है. अब वो हम कैसे चेक करेंगे? जैसा मैंने बताया हम देखेंगे कि इनके कंसेक्युटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट है या नहीं है. अब यहां पर a2 माइनस a1 डेटेस 200 माइनस 150 डेटेस 50. a3 माइनस a2 टू हंड्रेड दिफ्टी ए फोर माइनस ए थ्री ए फोर इज थ्री हंड्रेड एंड एज टू फिफ्टी एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू फिफ्टी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंजेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कॉन्स्टेंट है तो ये जो सीरीज है ये एक अर्थमेटिक सीरीज को फॉर्म कर रही है द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर द सेम तो चलिए इसका लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही सिंपल है वो भी अब इसमें यह कह रहा है दनी इन दाउंट एवरी इयर वेन रूपीज टेन थाउजेंड इज डिपोजिटेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ एट परसेंट पर एन एम यानी एक अकाउंट में दस हजार रुपए डिपोजिट किए जाते हैं और उसमें एट परसेंट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है तो हर साल के अंत में उस अकाउंट में जितने रुपए होंगे वो जो सीरीज होगी वो क्या सीरीज होगी तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं अब देखिए यहां पर दस हजार रुपए किए गए और एट परसेंट का पर ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो एक साल के बाद उस अकाउंट में कितने पैसे होंगे द अमाउंट एट फर्स्ट ईयर इज टेन थाउजेंड ब्रैकेट में वन प्लस एट अपॉन हंड्रेड की पावर वन कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो वो फार्मूला यहीं पे लगाएंगे और इसकी वैल्यू आएगी रुपीज टेन थाउजेंड एंड एट हंड्रेड उसी तरीके से दो साल के बाद उस अकाउंट में कितना पैसा होगा तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज टेन थाउजेंड ब्रैकेट में वन प्लस एट अपॉन हंड्रेड की पावर टू और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी रुपीज इलेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी फोर उसी तरीके से तीन साल के बाद ये वैल्यू आएगी अब देखिए हमको ये सीरीज मिल गई यहाँ पर देखिए ये हमको सीरीज मिल गई अब आप देख सकते हैं कि इस सीरीज में कंजेकेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है ये यह यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है तो चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं ना ए टू माइनस

AP, and that is our answer, and hence our question is solved.